तो दोस्तों, आलू की टिक्की बनाने के लिए हमने 9 आलू लिए हैं, बॉईल कर लिए हैं और ठंडे कर लिए हैं। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे, ये दोस्तों मैंने चावल को मिक्सी में डाल के पीस लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया था। इससे क्या होगा, हमारी टिक्की बंधी रहेगी और टिक्की बिखरेगी नहीं, और टिक्की के जो कंट्रास्ट और क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आएगी। मैंने दोस्तों 3 चम्मच इसमें ऐड कर लिए। अब इसके बाद दोस्तों इसमें डालें थोड़ा जीरा पाउडर, हल्का चाट मसाला भी डाल सकते हो आप, और उसके बाद ऐड करें पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से, और फिर बाद में इसमें ऐड करें थोड़ा पुदीना या हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और दोस्तों ये थोड़ा सा मिश्रण है प्याज शिमला मिर्च, उस चीज़ को भी हम इसमें ऐड करते हैं। और इसको दोस्तों हम अपने हाथों से सही से तोड़ के बाइंड कर लेंगे। दोस्तों हमारी टिक्की बनाने के लिए इस आकार के आटे के बॉल, उसके बॉल बना लें आलू की पिट्ठी के, और उनको सही से राउंड शेप में गोल करके हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर लें। हल्का हाथों पे तेल लगा लें जिससे कि आपकी टिक्की आपके हाथों में चिपके ना, और फिर धीरे से तवे पे रख दें, और गैस दोस्तों धीमी होनी चाहिए। धीमी गैस में इसको हल्के हल्के से फ्राई करेंगे। हल्का हल्का सा उठाते रहें ताकि आपकी टिक्की चिपके ना। बीच बीच में चेक करते रहे दोस्तों। और हल्की सी जैसे ही आपको लाल या ब्राउन कलर की टिक्की दिखने लगे तो हल्का सा पलट दें इसको। क्रिस्पी हम इसको थोड़ी देर बाद करेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, अच्छा क्रस आया है इसके ऊपर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, टिक्की का कलर बढ़िया से ब्राउन और क्रिस्पी हो चुका है। बस थोड़ी देर की बात और है और क्रिस्पी टिक्की तैयार। हल्का हल्का बीच बीच में पलटते रहे, टिक्की जले भी नहीं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, हमारी टिक्की एकदम परफेक्ट बनी है। कुछ टिक्कियाँ मैंने पहले ही बना के रख ली हैं, ये देखिए दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी टिक्की की प्लेटिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारी टिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है। एकदम क्रिस्पी टिक्की। इसकी प्लेटिंग हमने कुछ इस तरीके से की है। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें हम थोड़ा ऐड करेंगे रेड सॉस,
थोड़ी हरी चटनी, थोड़ी दही दोस्तों, और इसके ऊपर थोड़ा सा जीरे का पाउडर और थोड़ा चाट मसाला मिक्स, और दोस्तों इसके ऊपर हल्का सा नमक ऐड कीजिए। काला नमक या वाइट नमक, और दोस्तों आपकी टिक्की कुछ इस तरीके की दिखेगी।